कहती है बताऊं आपको। मैंने कहा हाँ बताओ तो सही, क्या आपके कृष्णा के बारे में शिकायत है? मैंने कहा हाँ बताओ क्या शिकायत है क्या भैया, हमारे कृष्णा ने शिकायत क्या कर दिया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं कृष्णा, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? तो गाइस, आज ना ब्लॉग की स्टार्टिंग मम्मी ने करी, तो बताना हूँ मुझे ब्लॉग की स्टार्टिंग आपको कैसी लगी। तो मैं मम्मी पे ही ब्लॉग की स्टार्टिंग करवाया करूंगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और बताइए क्या हो रहा है? हम सुबह जल्दी उठ गए थे, तो हमने सोचा लाओ आज हम करें गुड मॉर्निंग आपकी। अब एक एक करके हम आपको सबसे मिलवाएंगे। ये देखिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। पेपर पढ़ा जा रहा है। पेपर पेपर में क्या है, अच्छी कोई खबर है कि खराब न्यूज़ ही है इसमें? अरे वो यूक्रेन का झंडा है। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो डैडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लालटेन। कृष्णा, तो गाइस मैं आज थोड़ा सा लेट उठा था, तो मम्मी ने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी। जैसे आपने देख लिया था, मैं भी अपना पढ़ रहा था, मैथ पढ़ रहा था मैं भी, तो मम्मी ने बोली क्या है ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं आज करूँगी तेरी। तो मम्मी ने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है, और करो बातें और क्या। अच्छी अच्छी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गुड ठीक, मॉर्निंग लाला, दिखा दिखा दिखा, हे चिक चिक बूम। तो मान नहीं रहे मुझे, क्या छिड़ के जा रहे हो नीचे? देख रहा ही होता। अच्छा ना, नहीं कर रहा, फोटो खींच गया। अरे तुम क्यों मुझे क्यों परेशान कर रहे थे? बड़े मजे ले रहे थे, आओ 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 बढ़ने दो यार। मुझे डर लगता है तुमसे बहुत। क्या क्यों नहीं आने दे रहा, बताओ। अच्छा लो, तो हाल फिलहाल तो अभी दोपहर हो रही है, मेरा कोज क्या है तो टेप। अरे इसमें ब्लेंड नहीं लग रहा यार, ब्लेंड ले चलो। पापा जी ने टेप मंगाया ऊपर। अरे पापा जी ने क्या मंगाया, मैं नहीं ले आ रहा। तो सीन कुछ ऐसा है, हाँ बहसन वैसे आ गई बुरा भगाती हुई। तो अभी तो इसको फेर दो ऐसे, क्योंकि बाहरी कुर्सी रखी है ना, इसीलिए ब्लेड को पकड़ा हाथ में और टेप मेरा। तो गाइस अभी ऊपर जा रहे हैं, ऐसा सीन हो रहा है कि बंदर आ गया था, उसने बंदर ने कबूतरों के अंडों को लिया और जमीन में मार दिया। तब तक हम यहाँ पे थे नहीं, ये वारदात हुई सीढ़ी पर, ऊपर से उसने लिया और ऊपर से गिरा दिए अंडे। गाइस अब क्या बताएं, बड़ा तो घुरा है, अगर होता ना मैं बंदर को बंदर बना देता मैं, तो क्या करें अब, कुछ कर नहीं सकते हैं। वो करा सो करा, ऊपर से टंकी का पाइप निकाल के मैं भी। ये देखिए गाइस, ओए बंदर, पापा बंदर, ये देखो पीछे, इन्हीं ने वारदात करी होगी। दो इनमें दो दो, भाग रहा भाग रहा, वो ये भाग रहे हैं। देखो देखो, मैंने जैसे कि ना वो पापा बंदर तुम्हारा नाम सुनते ही भाग गए। तो देखिए गाइस, वो देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन चारों तरफ, इतना बढ़िया सीन कभी देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए एक सीन कुछ ऐसा है कि इन्होंने ये पाइप निकाल दिया था, अभी मैंने ऐसे ही फंसा दिया है इसको, पर ये बाहर आ सकता है, पर मैं अभी बाहर इसको निकालूंगा नहीं, ब्लेड से इसको काट के साफ सफाई कर गया इसकी, तब इसको लगाते हैं और फिर चलते हैं नीचे। तो बाहर नहीं आ रहा, एकदम लगा रहा था अंदर, ये चीज़ फंसी हुई थी उसमें, वो मतलब इसमें इसके चूड़ियों में इनमें, तो मैंने उसको निकाला और उसको कर लिया जल्दी जल्दी, और फिर करते हैं इसको, फिर नीचे चलते हैं। टाइम नहीं है थोड़ा सा भी मेरे पास, पर फालतू की बात कर रहा हूँ। ये वो भी ऐसे लगाया था ना, तो वो भी गीला था, ये गीला था, क्योंकि अभी अभी समर टंकी भरी थी मतलब। तो जिसकी भी काम को करो पूरी लगन से करो गाइस, पूरी लगन से। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी 100 ब्लॉग पूरे करूँगा 100 दिन के,
पर आज मैंने मतलब आज क्या अभी तो मेरे पता नहीं कुछ 130 कुछ ब्लॉग हुए हैं, पर मैंने कहा ना गाइस ये अचीवमेंट पूरी कंप्लीट कर ली है और चलिए फिर देखते हैं आगे कितने दिन कितनी ब्लॉगिंग होती है, हाउ मेनी डेज हाउ मेनी ब्लॉग। हाल फिलहाल तो 100 ब्लॉग हो गया है, इतनी सारी मुश्किलें आई बीच में, बहुत मुश्किलें आई गाइस, पर चलिए रुके नहीं, फिर भी हम पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा था और बस पूछो मत, सब कुछ तो मैंने बता दिया, अब क्या पूछो। इतना गाइस एक भी दिन का गैप नहीं हुआ, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं हुआ, सोच के देखो गाइस, मुझे विश्वास नहीं था 100 डे 100 ब्लॉग, 100 दिन तक लगातार ब्लॉग, एक तरफ से कट 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 सड़ासर एकदम डालते जा रहा हूँ ब्लॉग। अब इसको टेप को देते हैं इधर, पहले पाइप को तो लगा गाइस, पाइप में भी देगी, ये तो अंदर चला जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बंदूक से नहीं लग रही है, ऐसे करके पकड़ने अभी उधर का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, अभी देखना उधर का बहुत बढ़िया व्यू गाइस। तो गाइस मैंने इसका छोर भी ढूंढ लिया और इसको भी अंदर फिट कर लिया, तो अब इसको थोड़ा सा वैसा ये मतलब फिंगरप्रिंट लगा देना तो बेकार हो जाता है, इसको ऐसे करो इसको फेंक दो, एक तो आधे में छूटता हो नहीं है टिप गाइस, इसको इसमें लगाओ फिट करते हैं, फिर हम आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ओके ना। तो अब मैं जानता हूँ क्या करूँगा, चेक चेक बूम। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये देखिए सब लगा दिया है, इसको भी फिट कर दिया और इसको भी फिट कर दिया, चलने नीचे ये देखिए बिल्कुल ढंग से देखिए आप व्यू को, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तुलसा जी, इतनी सारी वही एक ही बची है, एक ही बची है बस। हाँ ओ ये तो बहुत दुर्त काम हो गया, एक ही बची है, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया 2 साल मैंने ये जान लिया तुलसा जी की केयर कैसे करनी है, 2 साल हाँ इतने सारे हाँ 2 साल लग गए, बस ऐसा है ना इनको केवल ऐसे के रखो जहाँ इनको हवा ना लगे और कोहरा ना लगे, मतलब सर्दी ना लगे, जैसे हम लोगों का जीवन होता है हम लोग जब ढक के रहते हैं ऐसे अपने आप को सेफ करके, तो तुम्हारे दो साल की रिसर्च ये है ऐसी इसके तुलसी के प्लांट को सेफ करके रखना चाहिए, अच्छा ये नाजुक प्लांट होता है, तो पापा तुम्हारे 2 साल की रिसर्च ये थी कि इनको बचा के रखें, हाँ और ये 2 साल की रिसर्च मैंने 1 सेकंड में जान ली है पूछ के, यही तो बता हुआ डिफरेंस किताब बनाने वाले में किताब पढ़ने वाले में, नॉलेजेबल किताब पढ़नी चाहिए गाइस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किताब बनाने वाले में पढ़ने वाले में, लोग पढ़ते भी नहीं है, लोगों को किताब बनाते बनाते दो तो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, अभी पापा ने एक रिसर्च करी सुलता जी के ऊपर तब भी उनको 2 साल लग गए, मतलब वो बस मैं कुछ कह नहीं सकता स्पीचलेस, बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरह रखना चाहिए, जैसे तुम खुद रहते हो ना साफ सुथरे एकदम ठंडों में अपने आप को ढक के रखते हो, और नाजुक पौधा होता है वो तो उसको उसके हिसाब से रखोगे ना, अपने आप को ढक के रखते हो, तुलसा जी को ऐसे रखोगे तो ये तो गलत बात है ना गाइस, तुलसा जी को बचाए रखें, सेव प्लांट्स सेव लाइफ। तो गाइस अभी तो हाल फिलहाल मैं आराम करने जा रहा हूँ, तो मैं आपसे आराम करने के बाद मिलता हूँ, ओके ना, चिक चिक बूम। तो हे गाइस मैं आराम करके कहाँ आ गया, तो अभी तो जा रहे हैं ब्रेड पीस यानी कि ब्रेड पकौड़े लेने मन कर रहा था, तो पापा जी के संग जा रहे हैं, पापा जी बोल रहे हैं देखिए तो चल रहे हैं अभी। कृष्णा एक बात सुन, अद्री आज कह रही मुझसे, उनकी मम्मी कह रही हमें आपसे एक शिकायत है, हम भैया मैंने कि ऐसी क्या बात होगी जो आप मेरे से शिकायत कर रही हो, ऐसा क्या काम हो गया, तो फिर कहती हैं बताऊंगा आपको, मैंने कहा हाँ बताओ तो सही,
क्या आपकी कृष्णा के बारे में शिकायत है? मैंने कहा हाँ बताओ क्या शिकायत है भैया, हमारी कृष्णा ने क्या कर दिया? तो क्या किया? कुछ नहीं है, वो हमारी अद्री का ब्लॉग नहीं बनाता है, तो अद्री हमारी गुस्सा हो रही थी और हमसे कहती है रोके भैया मेरा ब्लॉग नहीं बनाते हैं, सबका बना लेंगे, मेरा नहीं बनाते हैं, उनकी मम्मी से मैं बोलूँगी, मम्मी यानी तो तुम बोलो, तो मैं आपसे इसीलिए शिकायत कर रही हूँ, कृष्णा भैया को भेज देना वो अद्री का ब्लॉग बना लें। अदरी बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी, कह रही थी भैया, वो गुस्सा हो रही थी अपनी मम्मी से कि कृष्णा भैया बनाते नहीं है, अब कल जाके बना लूंगा मैं लोग गाइस। हां तो मैं रह गया आज, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा ऐसा अदरी या तो तू आ जाना या नहीं तो भैया आ जाएगा, ठीक है तो तू बनवा लेना अपना। तो भैया मेरा डालते ही नहीं है, मैंने कहा नहीं नहीं है मेरे पास ना, उससे कहिए उसने फालतू में नहीं, वो कह रही थी, कह रही मैंने भैया को बोला था भैया मेरा ब्लॉग डालते ही नहीं। अरे अपना कैमरा लेके अपना फोन ले आई अंदर से, कह रही भैया इसमें शूट कर दो, मैंने उसमें शूट कर दिया और फिर कह रही यूट्यूब पर ढूंढ रही है, अपने अपने फोन में शूट करवा रही है, ऊपर से यूट्यूब पर ढूंढ रही है, यूट्यूब पर कैसे मिल जाएगा। तो आज मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के पास गई थी, क्योंकि प्रोग्राम था, अच्छा तो वही थी, हाँ वही गई थी, तो वही मिली थी ना वो, तब बोल रही थी, मैंने कहा यार पता नहीं इसने क्या पंगा कर दिया कृष्णा ने, पता चला कि कुछ नहीं ब्लॉग की लड़ाई है, कह रही मैं ब्लॉग सारे देखती हूँ भैया के, और भैया ने मेरा ही नहीं डाला, मैंने कहा कोई नहीं मैं बोल दूंगी भैया डाल देगा। अरे यार डाल दूंगा तो तू बना दे, मुझे मालूम दिक्कत थी बस बना दी, तुम्हें तो आलिया लोने तो मैं को लेट करता, हाँ नहीं बना देना, बच्ची परेशान है वो बड़ा खुश हो जाएगी अगर तू बना। अब गाइस कल बनाऊंगा तो आप कल वाले व्लॉग में मतलब परसों वाले व्लॉग में देखना। हाँ तू आज मैंने ऊपर का पाइप ठीक करके आया हूँ मैं आज, सवाजी तो वो उधरली साइड कर दिया सवाजी तो, अरे थप्पड़ मार रही है सवाजी दे, नहीं नहीं पीठ पे ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे 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 बहुत बढ़िया, अच्छी वाली सवाजी दे दूँ? नहीं नहीं ज्यादा तेज वाली नहीं, तेज वाली चाहिए तो बता। नहीं 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 मजे मत लो, मैं तो मैंने पूरा ब्लेड से छीला वो पूरा टेप लगाया तरीके से कर दिया ना, ठीक तरीके से ब्लॉग में देखना तो क्योंकि ब्लॉग में देखना ना यार, डैडी बहुत गुस्सा कर रहे थे। मम्मी जी एक बात बताओ, आंधी से ही तो निकल के गिर गया होगा वो? नहीं बंदर निकाल के गए, बंदर निकाल के गए हैं, बंदर निकाल के गए होंगे क्योंकि आंधी से निकल नहीं सकता। आज बंदरों ने बहुत आतंक किया है इसका, अंडे भी फोड़ दिए, अंडे भी फोड़ दिए यार, सच में मुझे बड़ा दुख हुआ, पापा ने जैसे बताया ना मुझे, मैंने देखा मेरे पैरों और तले जमीन खिसक, बंदरों ने मेरे हाथ पड़ जाते भाई साहब। अरे तेरे हाथ पापा के हाथ पड़ जाते तो बहुत पिटते, पापा को पता ही नहीं लगा, पापा तो जब ऊपर गए ना तब हम लोगों ने, मैं तो सफाई करने गई थी ऊपर की, तो पापा सीढ़ी से थर्ड फ्लोर पे गए तो वहां पे जाके देखा थर्ड फ्लोर पे पड़े हुए थे, पापा ने कही तेरे ने थर्ड फ्लोर पे जीने पे पड़े, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने ये यही कहा, ओए काजल देखी हुई ये क्या हो गया, तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ, तो कि वो यार पता नहीं बंदर फूड़ गए, कौन फूड़ गया मालूम नहीं है, और ये तो गए काम से, बन गए थे बच्चे, बन गए थे, हाँ बच्चे बन गए थे, तेरे पापा बता रहे थे उधर कोई नहीं आया यार। अभी तो तूने ब्रेड पकौड़ा खाया फिर भी भूख लग रही है, अब मैं कुछ नहीं दे रही, अभी मैं जाऊंगी दूध लेने, मम्मी ने चाय दे दो यार, हर समय नहीं प्लीज, अभी कॉफी नहीं पी, कॉफी नहीं पी, नहीं पी फिर दी नहीं, पता नहीं पापा ने तो पी थी अभी कॉफी, पीते हैं फिर एडिट करने बैठते हैं, तो मैं आपसे एडिट करने के बाद में बाय, तो भी कर लो बाय, चिक चिक बूम फायर। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने देखा होती तुम मत एंड नहीं कर, तो गाइस अभी तो अल्फा आज के ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ और कॉफ़ी वगैरह पी ली, तो अल्फा आज के ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।